ऐसा कुछ लिखना चाहिए था यार इसके ऊपर। ले लिया आपले पीछे आ जाओ यार सब लोग यार सबको मिलेगा यार समझ में नहीं आ रहा यार साला एक तो गलत जगह खड़ा किया तुमने फोटो वाला के लिए तो आज ये उपलक्ष्य है कि सावधान इंडिया का चतुर्थ वर्ष पूरा हुआ है और अब पंचम शुरू हो रहा है। ये लीजिए मारो बोलो सजदा कर मूक तस्वीरें ही खींचते रहोगे या कुछ है बॉलीवुड एंड ग्लैमर है। हाँ जी
सर तो फाइनली सावधान इंडिया के 4 साल की तो जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, किस तरह की आपकी एक्सपीरियंस है सावधान इंडिया को लेकर? सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है भाई, 4 साल पूरे हो गए हैं आज, और देखते देखते कब गुजर गए ये 4 साल पता नहीं चला। वेरी हैप्पी, सारे जितने दर्शक हैं सबसे पहले तो उन्हें धन्यवाद भाई, क्योंकि आप नहीं देखते तो फिर हम क्या दिखाते। और दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम, जो टीम चैनल में बैठी है डे वन से, जिन लोगों ने एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर ये क्राइम शो लाने की पहल की और 4 साल से लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रखा इसमें। पर्दे पर तो हम दिखते हैं भाई, तो वी टेक ऑल द केक, बट असली मेहनत जो पीछे लोग करते हैं, कॉन्सेप्ट सोचते हैं, कैसे दर्शकों को वापस जो है उसमें रिझाए रखें, उनका ध्यान बना रहे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू दैट टीम, थैंक यू टू दैट टीम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जर्नी बड़ी मज़ेदार रही है, बहुत अच्छी रही है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारे नए प्रशंसक बने, बहुत सारे बच्चे इस प्रोग्राम से जुड़े, जो कई एपिसोड ऐसे भी आते हैं हमारे जहाँ बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों के साथ किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, हाउ टू सेव, बहुत सारे इंटरनेट पर जोक्स भी बने हमारे बारे में। सो ये एक जो है आपकी, ओ यस यस यस, वो बोलते हैं लोग कि जब से सावधान इंडिया देखना शुरू किया है दुनिया से विश्वास उठ गया है। और उसके साथ साथ एक चीज़ जो हर आदमी जो भी मिलता है इस प्रोग्राम को लेकर के हमेशा कहता है कि सर थैंक यू, आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अलर्टनेस आती है। सो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही उद्देश्य था पहले दिन से इस शो का, और टीम उस उद्देश्य से कभी भटकी नहीं, TRPs के चक्कर में कभी कुछ सेंसेशनलिज्म नहीं किया, गरिमा बनाए रखी है। तो साथ बने रहिए और 4 साल क्या 40 साल साथ चलेंगे। मेरे लिए तो दोनों तरफ का नजरिया रहा, क्योंकि बतौर ऑडियंस देखा पहले मैंने सावधान इंडिया और मुझे बहुत पसंद आता था। इस तरफ आकर इनके साथ आकर और एक होस्ट के नज़रिए से मुझे लगता है कि जहाँ भी जाती हूँ अब सावधान इंडिया सब बोलते हैं, और बहुत खुशी होती है ये देखकर कि सावधान को लोग इतना पसंद करते हैं, इतनी रीच है इस शो की। और जैसा सुशांत ने कहा अभी कि एक इसने अपनी जगह बना ली इस शो ने सबके दिलों में, एंड जो मेहनत जो डिटेलिंग सब चैनल वाले करते हैं वो वाकई बहुत है, इट्स रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस कहानियाँ लाते हैं, फिर हमें हम तक आती हैं, फिर कौन सी लानी है, कौन से स्लॉट में डालनी है, फिर कौन सा किसको कहाँ करना है, सो इट्स आई थिंक अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और उस इंटरेस्ट को 4 साल बनाए रखना और इतने हाई TRPs पे जाना और लोगों को अपने साथ हमेशा बांध कर रखना बहुत बड़ा काम है। एंड आई थिंक जिस तरह सब चल रहे हैं तो एज ही सेड 4 नहीं 40 और शायद उससे भी ज़्यादा।